ओम नमः शिवाय। साथियों, आज हम दर्शन करेंगे पशुपतिनाथ बागमती आरती के। बागमती आरती एक अद्भुत अलौकिक अनुभव है। आरती ईश्वर से प्रार्थना का सर्वोच्च साधन है। भारत में जैसे हरिद्वार की गंगा आरती और बनारस की आरती प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार बागमती नदी के किनारे पशुपतिनाथ और बागमती नदी के आदर और आभार व्यक्त करने के लिए और मानवता के कल्याण की कामना करने के लिए नदी के किनारे आरती की जाती है। नदी मंदिर परिसर से बहती हुई जाती है। माँ गंगा की तरह बागमती नदी में स्नान करना मानव पाप मुक्त हो जाता है। बागमती नदी के किनारे ही काठमांडू का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है गुहेश्वरी मंदिर। पशुपतिनाथ और गुहेश्वरी मंदिर पर मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। दोनों ही शक्तिशाली मंदिर हैं। यह शक्तिपीठ गुहेश्वरी मंदिर बागमती नदी के किनारे है और इसी नदी के किनारे मंदिर के साथ ही गौरी घाट भी है। आरती का आयोजन और देख रेख का कार्य पशुपतिनाथ की एक संस्था द्वारा किया जाता है। आरती मंत्रोच्चारण से प्रारंभ होती है और भजन के साथ तीन पुजारी यह आरती बागमती नदी के किनारे करते हैं। आरती संगीत वाद्यों के साथ और आनंददायक बन जाती है। इस आरती का आनंद उठाने हजारों श्रद्धालु जनसमूह शाम को बागमती नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा हो जाते हैं। त्योहारों में सोमवार को और छुट्टी के दिन और ज़्यादा श्रद्धालु इकट्ठे हो जाते हैं। 2006 से यह प्रथा नियमित तौर से चल रही है। मुख्य अवसरों पर तांडव नृत्य, कथक और भरतनाट्यम का आयोजन भी होता है, जिसमें नेपाल के साथ भारत के कलाकार भी भाग लेते हैं। वैसे भी आम दिनों में कुछ श्रद्धालु आरती के साथ मगन होकर नृत्य करते हैं। महाशिवरात्रि और हरितालिका तीज में आरती का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। अब कुछ क्षण आप भी पशुपतिनाथ बागमती नदी की आरती का आनंद लें। ऐसी ही दिव्य जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।